उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ललितपुर में आगमन हो चुका है। अभी अभी झरर घाट से उनका काफिला निकला है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला उनके स्वागत के लिए तैयार था। काफिला झरर घाट से तालवेट की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत की तैयारी पहले से किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, और जगह जगह तैयारियां भी भव्य तरीके से देखने को मिल रही हैं। हम लोग बीच में हैं, काफिला दोनों तरफ बराबर आपको लिए दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग इस समय दोनों तरफ बीच में हैं और युवा नेता की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, बड़े जोश में युवा नेता वहां के ना प्रदेश अध्यक्ष आए हुए उनके। और आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर कई बार आ चुके हैं, जब वो विधायक थे, जब वो मंत्री थे, और ललितपुर में उनका एक बड़ा फन फैलिंग है और बहुत से कार्यकर्ता पुराने उनके साथ के स्ट्रगल्स के समय के उनके संपर्क में रहे हैं, और आज वो सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और स्वतंत्र देव सिंह इसलिए भी ललितपुर में ज्यादा फेमस है और लोग उनसे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। काफिला इस समय तालवेट में रुका था, हम आपको दिखाएंगे गाड़ियां, देखिए काफिले की काफिला है, स्वतंत्र देव सिंह का काफिला है। तो अभी अभी तालवेट में कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र देव सिंह को स्वागत किया यहाँ पे। तो हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का काफिला तालवेट से आगे बढ़ चुका है और ललितपुर उन्हें पहुंचना है। ललितपुर उनका कार्यक्रम है, बिरधा में भी एक कार्यक्रम है। काफले को देखते हुए कई हैवी वाहनों को रोक दिया गया है, साइड से लगा दिया गया है, क्योंकि काफला काफी बड़ा है। तकरीबन 150 गाड़ियां इस काफले में अब हो चुकी है। जैसे जैसे ललितपुर की तरफ काफला बढ़ता जा रहा है, काफले की लंबाई लगातार बढ़ रही है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ता आतुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आतुर हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में। और क्यों ना हो, स्वतंत्र देव सिंह पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ललितपुर आए हैं, उनके स्वागत के लिए पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं। ललितपुर में बड़ा कार्यक्रम है उनके स्वागत में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करना है उन्हें बिरधा में, जो पटेल समाज द्वारा लगाई जा रही है। अपन दिखावे की कोशिश करें ना स्वतंत्र देव सिंह, रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत पांडे के माध्यम से हम इस गाड़ी में बैठे हैं, और उनके सहयोग से ही हम एक सब कवरेज आपको दिखा पा रहे हैं।
तो स्वतंत्र देव सिंह का जो बेसब्री से इंतजार ललितपुर की जनता कर रही है, ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और वो ललितपुर की सीमा में प्रवेश भी कर चुके हैं। कुछ ही समय बाद हम और आपके बीच में आ रहे हैं, इनमें स्वतंत्र देव सिंह होंगे। बेसब्री से इंतजार भी कर रही कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह का, और उनकी कुछ ही समय बाद उनकी जो इंतजार है, उनका इंतजार का फल है, वो उसका फल मिलेगा और स्वतंत्र देव सिंह उनके समक्ष होंगे। देखिए काफला स्वतंत्र देव सिंह का बिल्कुल एक मतलब पूरी कहेंगे एक व्यवस्थित काफला जिसे कहते हैं, अंतर बना के बढ़िया शांति से चढ़ता हुआ आएंगे। और ये तीसरे नंबर की जो गाड़ी है इसमें स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं। गाड़ियों की संख्या और बढ़ गई है, जैसे जैसे ललितपुर की तरफ बढ़ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के काफिले में गाड़ियों की संख्या लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और काफी लंबा काफिला अब ये हो गया है। तो बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत स्वतंत्र देव सिंह का ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, और प्रशासन की भी गाड़ियां इसमें हैं, पुलिस की गाड़ियां। काफिला ललितपुर टोल प्लाजा की तरफ बढ़ता हुआ आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म। ललितपुर टोल प्लाजा के पास पहुंच चुका है स्वतंत्र देव सिंह का काफिला। कार्यकर्ता आतुर है उनके स्वागत के लिए। वो आप देख सकते हैं काफिला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, यही गाड़ी है, इसी में स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं, मंत्री मनोहर लाल पंत बैठे हैं, और भी कार्यकर्ता यहाँ पर है। तो आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं और इंजीनियर पुनीत पांडे नजर आ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं को स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता सुबह से काफी इंतजार कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वागत किया है। तमाम और कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित है, अभी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं, माल अर्पण करा रहे हैं। कार्यकर्ता है काफी उत्साह, पुलिस आप देखो दिखाई दे रही है, सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लोग कुछ सेल्फीबाजी करते नजर आ रहे हैं, उनके पर्सनल सिक्योरिटी भी एक्टिव हो गई है। तो स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर टोल प्लाजा पर आ गए हैं, कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत किया। काफी बड़ा काफिले के स्वागत के लिए कार्यकर्ता भी खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे, शहर में जिस तरीके से होर्डिंग्स लगाई गई है, तैयारियां की गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कितनी अच्छी उनकी पकड़ है, और काफी सम्मान करते हैं कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का, क्यों ना करे, जमीनी नेता है, लोगों के बीच के नेता है, लोगों के लिए लड़े हैं, काम किया है, राज्य संगठन चला रहे हैं। तो टोल प्लाजा से ललितपुर शहर की तरफ काफिला बढ़ चुका है, हम पल पल की अपडेट आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे के लिए भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ललितपुर की तरफ